अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जब पापा ने भी हमें पालने पर छोड़ दिया था तब तुमने हमारी और दोस्ती का हाथ तोड़ाया था, हमारी और दोस्ती का हाथ तोड़ाया था। आज मैं तुम्हारा दोस्त विहान और तुम बोली, तुमसे बढ़कर और कौन हो सकता है हमारे लिए। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, लड़के वाले पहुंचते ही होंगे। हाँ वहाँ रख दो, लड़की से अधिक लड़के वाले लड़की का घर देखते हैं, इसलिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। काका फूलों को फूलदान में रखिए। माँ जी सदा सुहागन रहो। बहू तुम में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक साथ विराजती हैं, वो भी साक्षात। तुम ना होती ना तो उस करमजली से कभी छुटकारा ना मिलता। माँ जी आपसे एक विनती है, जब तक मौली की शादी नहीं हो जाती आप उसे बुरा भला नहीं कहेंगी। जानती हूँ कि वो उल्टी खोपड़ी है। तो क्या बहू उसकी वजह से मैं मुंह में दही जमा लूं? नहीं माँ जी दही नहीं, आप तो घी शक्कर खाइएगा, क्योंकि हमारी मौली को बहुत अच्छा घर और वर मिलने वाला है। माँ जी कुछ दिनों की तो बात है। ठीक है माँ जी, मैं बाकी का इंतजाम देख के आती हूँ। ठीक है वो। हाँ गायत्री कहाँ पहुंचे तुम लोग? हाईवे पर है, बस समझ लो पहुंचने वाले हैं तुम्हारे गांव। ठीक है जैसे बताया है वैसे ही बात करना, और सुनो ये रिश्ता आज के आज पक्का हो जाना चाहिए। राजकुमारी ऐसा है कि हमारे लिए सबसे बड़ा पैसा है, इसीलिए जितनी बड़ी कीमत उतनी जल्दी रिश्ता। उसकी फिक्र मत करो, ठाकुर साहब मुंह मांगी रकम देंगे अपनी उस लड़की से पीछा छुड़ाने। अरे फिक्र काहे की, पैसा मिल रहा है ना, और मेरे लिए मेरे बच्चों का हक। इसलिए शादी के बाद मौली के साथ जो करना है करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बच्चों के भलाई के लिए मैंने जो खेल रचा है उसे अब भगवान भी नहीं बिगाड़ सकते। नहीं, तुमने इतना लंबा साथ दिया हमारा, ऐसे कैसे छोड़ सकते हम तुम्हारा साथ। मौली उतरो। नहीं मौली उतरो। नहीं अच्छा, तुम्हारी चोट पर मुझे जो हर्ट हुआ उसका कुछ नहीं। वही तो पूछ रहे ना कब से कि नाराज क्यों हो। अब भोले ना थोड़ी ना कि तुम्हारे मन की बातें समझ जाएंगे। इतनी अनजान मत बनो, वैसे तुमको लाइफ में हर छोटी मोटी बात पे मेरी राय चाहिए होती है, लेकिन आज जब लाइफ का इतना बड़ा फैसला लेने का समय आया तुमने मुझसे पूछा तक नहीं। पूछना तो दूर की बात है, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। तुम्हारी हर छोटी मोटी बात मुझे पता होती थी, लेकिन आज तुम्हारी शादी की बात मुझे दूसरों से पता चल रही है। नहीं बिहान सुनो ना, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ क्या? नहीं मौली, मुझे तुम्हें सफाई नहीं चाहिए, और एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि तुमने मुझे मेरी औकात दिखा दी, तुमने मुझे आईना दिखाया। थैंक यू।
जानते हो ना पापा की हर बात कितनी अहमियत रखती है हमारे लिए। जिंदगी में पहली बार पापा ने कुछ मांगा है हमसे। हमारे लिए शादी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर शादी करने से हम अपने पापा को पा सकते हैं तो पापा जब चाहे जिससे कहेंगे हम उससे शादी कर लेंगे, कहेंगे हम उससे शादी कर लेंगे। जॉब करो ना, किसने रोका तुमको? तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी, जब कर लो शादी, जब कर लो शादी। हाँ दीपक भैया। हाँ कहाँ हो तुम बिहान? अरे लड़के वाले आते होंगे, हवेली पहुँचो, बहुत काम पड़ा हुआ है। बड़े बाबूजी भी पूछ रहे थे। जी अभी आता हूँ। हाँ पहुँचो फटाफट। चाबी दो, बड़े बाबूजी ने बुलाया। पापा ने? पर बिहान हम अभी भी नहीं समझ पा रहे तुम हमारी शादी की बात को लेकर इतने नाराज काहे हो? हम तो बस अपने पापा की बेटी बनना चाहते थे। मौली तुम्हें अब जो बनना है बनो, मुझे अब तुम्हारी परवाह नहीं, मुझे अब तुम्हारी परवाह नहीं। और मैं होता कौन तुम्हारी परवाह करने वाला? तो छोटी मालकिन मालकिन अपने इस ड्राइवर के बेटे को माफ, अपने इस ड्राइवर के बेटे को माफ। मुझे अब तुम्हारी परवाह नहीं, तो छोटी मालकिन अपने इस ड्राइवर के बेटे को माफ। ब्रह्मा जी से कहकर ये कैसा बाकी लिखवाया है आपने? पापा को पाने के चक्कर में हमसे हमारा सबसे अच्छा दोस्त छूटा जा रहा है। अरे मोहन को सांप काट लिया। अरे मोहन को सांप काट लिया। बचाओ कोई। मोहन का तो सांप काट लिया, ओझा जी को बुलाना पड़ेगा। अरे आप सब खड़े खड़े देख रहे हैं, निकालिए उस सांप को। अरे पागलों का असली नाग है, गलती से भी डर लिया तो पानी भी ना मांगेगा कोई। इन्हें लेकर चलिए अस्पताल। ना करो मोहन, दीपू गया ओझा को बुलाने। पहले इनका विष निकालना होगा। मौली तुम तो दूर ही रहना, तुम्हारे दुर्भाग्य का काला साया कहीं मोहन के लिए भारी ना पड़ जाए। हाँ जानते हैं हम बनौती है, पर आप लोगों की तरह हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते ना। अब चाकू दीजिए। मोहन काका अब चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएगा, हम टीवी पर देखे। अब कब्जा दीजिए अपना। मैं कुछ नहीं होगा आपको, मैं कुछ नहीं होगा आपको। अरे ये बेहोश हो रहे हैं, अस्पताल लेकर जाना होगा। मौली पर उतना दूर हम लोग मोहन भैया को कैसे लेके जाएंगे? समझो काम हो गया। ए मस्त मॉर्निंग।